फिल्म राजा हिंदुस्तानी के गाने को लेकर ऐसी अफवाहें थी कि आमिर खान ने इसमें शराब पी थी। अब कई सालों के बाद एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह ने इसका सच बताया है। तो आखिर कौन सा है ये गाना जिसमें आमिर खान ने शराब पी थी और अर्चना ने इस बारे में क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। देखिए, कहा जाता है कि आमिर खान ने फिल्म राजा हिंदुस्तानी के गाने तेरे इश्क में नाचेंगे गाने के लिए अपने किरदार को रियल दिखाने के लिए असल में शराब पी ली थी और फिर गाने को शूट किया था। उन्होंने ऐसा एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया था क्योंकि वो चाहते थे कि गाने में उनका रोल काफी ऑथेंटिक लगे। अब ये बात तो आप जानते ही हैं कि आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं और उनको हर एक चीज परफेक्ट चाहिए होती है, इसलिए उन्होंने ये तरीका अपनाया था। लेकिन गाना शूट होने के बाद वो इससे खुश भी नहीं थे। एक इंटरव्यू में जब अर्चना पूरन सिंह से पूछा गया कि क्या राजा हिंदुस्तानी के इस गाने की शूटिंग के दौरान आमिर वाकई में नशे में थे, तो एक्ट्रेस ने जवाब दिया, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि उस सीन के समय वो नशे में थे। उनका रूम मेरे रूम के बगल में ही था। उन्होंने मेरे सामने शराब नहीं पी, लेकिन मुझे लगता है कि उस वक्त वो शराब के नशे में थे। हालांकि वो अपने इस एक्सपेरिमेंट से खुश नहीं थे। फिल्म के बारे में बात करते हुए अर्चना ने इसे खास कहा क्योंकि उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला था। अर्चना ने कहा, मैं इस फिल्म को लेकर बहुत खुश थी क्योंकि मेरे किरदार की वजह से मुझे फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला था। ये मेरा पहला और आखिरी मौका था जब मुझे किसी अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला हो। हालांकि ये अवार्ड मैं अपने नाम नहीं कर पाई। इसके बाद परमित सेट्ठी मेरे पास आए और मुझसे कहा, नॉमिनेशन मिलना अवार्ड जीतने जितना ही होता है। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे अवार्ड नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, कम से कम नॉमिनेशन तो मिला, ये भी अवार्ड जैसा ही है। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म राजा हिंदुस्तानी में अर्चना पूरन सिंह आमिर खान की सास बनी थी और करिश्मा कपूर ने आमिर खान की लवर का किरदार निभाया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित रही थी। धर्मेश दर्शन के डायरेक्शन में बनी राजा हिंदुस्तानी का बजट बॉक्स ऑफिस इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक 5.75 करोड़ रुपए था, जिसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 76.34 करोड़ रुपए कमाकर रिकॉर्ड सेट कर दिया था। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।